Did we start with the third chapter now? Chalo. Next chapter we are going to start is electrochemistry. Very important chapter. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को अगर हम इसका एक रीकैप लें, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज डीलिंग विद, यानी हम कहेंगे इस चैप्टर में हमें कितने टॉपिक्स ले रहे हैं, तो देर आर फोर पार्ट्स. एक पार्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स. So one part is going to be electrolytic cells. Another part is going to be electrochemical cells. Third part, commercial cells. And the fourth part is corrosion. आपका ये चैप्टर चार मेन टॉपिक्स के साथ डील करता है. वन इज योर इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, सेकेंड इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, थर्ड इज गोइंग टू बी कॉमर्शियल सेल्स, एंड द फोर्थ इज गोइंग टू बी द कोरोशन. इस चैप्टर को कवर अप करने के लिए आपको प्लस वन का कुछ बेसिक जरूरी है. बिना उस बेसिक के आप यहाँ पे इस चैप्टर में कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते. यानी अगर आपने प्लस वन में रिडॉक्स रिएक्शन अच्छे से नहीं किया है तो आपका ये चैप्टर वीक रह जाएगा. तो इसे ध्यान रखना है. मैं कोशिश करूंगी मैं प्लस वन के टॉपिक्स को साथ साथ रिवाइज कराती जाऊँ. कोशिश आप ये करोगे कि आप प्लस वन के टॉपिक्स को साथ साथ थोड़ा सा पढ़ भी लो. तो जिन बच्चों ने स्कूल में रिडॉक्स रिएक्शंस अच्छे से किया था या क्लासेस में या ट्यूशन क्लासेस कोचिंग क्लासेस में रिडॉक्स किया हुआ है उनके लिए चैप्टर आसान हो जाता है. अदरवाइज ये चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल सा है. तो अब इसका मतलब इसका बेसिक क्या है, द नीड रिक्वायर्ड रिक्वायरमेंट बिहाइंड इट इज रिडॉक्स. बिना रिडॉक्स के ये चैप्टर नहीं हो सकता. यानी ये सब कुछ ऑल दीज आर बेस्ड ऑन रिडॉक्स रिएक्शंस. यानी चारों के चारों टॉपिक बेसिकली किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन रिडॉक्स रिएक्शंस. यानी व्हाट इज कोरोजन, इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. व्हाट आर कमर्शियल सेल्स, बेस्ड ऑन रिडॉक्स रिएक्शंस. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बेस्ड ऑन रिडॉक्स रिएक्शंस. इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, बेस्ड ऑन रिडॉक्स रिएक्शंस. ठीक है जी. इसका मतलब अगर रिडॉक्स रिएक्शन स्ट्रॉन्ग है तो ये चैप्टर हो सकता था. अब देखते हैं बेटे, रिडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहला पॉइंट है, क्या आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आता है और दूसरी बात हमारे पास है एंड ऑक्सीडेशन नंबर चेंज. पहला पार्ट आपको ये समझ आना चाहिए कि आप ये समझ पाओ कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं और फिर हमें ये पता चले कि चेंज कैसे हुआ, कितना चेंज है, क्या हुआ, गेन है कि लॉस है, व्हाटएवर इज. अब पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ये हमारी रिक्वायरमेंट है. फिर दूसरा हमें चाहिए आइडेंटिफाइंग रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. यानी आपको यह पता होना चाहिए यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है कि ऑक्सीडेशन हो रही है. दैट मींस रिडॉक्स. यानी आपको रिडॉक्स रिएक्शन की आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए, हो रही है, क्यों हो रही है, एंड सो ऑन. एंड थर्ड आपको चेक करना आना चाहिए स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. यानी आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. इज इट स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस का मतलब है वो रिएक्शन जो अपने आप हो जाए.
तो आपको ये चेक करना आना चाहिए वेदर अ प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए आपको चाहिए होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो आना चाहिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद आपको आनी चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तब जाके आप डिसाइड कर पाओगे ई नॉट सेल, ई सेल, ये सब पता होगा तो जाके आप इस चैप्टर के यानी प्लस वन की अगर इतनी नॉलेज हो हमें तो हम इस चैप्टर को बड़े आराम से समझ सकते थे। और मुझे पता है आपको इसके अलावा हो सकता है ये भी, हो सकता है ये भी, इन तीन टॉपिक्स के अलावा ये चौथा टॉपिक तो आपकी समझ से परे है, ऐसे जा रहा होगा ऊपर से, है ना, ऐसी हालत है। क्योंकि प्लस वन में स्कूल में सब टीचर्स ने क्या किया, स्कूल सिस्टम ने, क्योंकि इंटरनल एग्जाम्स थे तो ये टॉपिक कराया ही नहीं क्योंकि कैंसिल ही हो गया था, कट गया था सिलेबस से, तो आपने जब ये किया ही नहीं तो ये भी नहीं आया। कुछ स्कूल्स में ये नहीं कराया बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, तो बिल्कुल ही नहीं कराया, और सिर्फ ये कहा कि ये कर लो बस यही इंपॉर्टेंट है इतना ही डालेंगे, तो आपका बेस नेचुरली वीक रह जाता है। तो अब ध्यान रखना है बेटे ये सब कुछ पहले सीखेंगे फिर हम इस चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, बातों बातों में ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। तो आप चले अब हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन। द फर्स्ट हेडिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटे बोलो बेटा। मैम जो पिछली बार प्लस टू में सिलेबस कट हुआ था वो इस बार हमने करना है या फिर वो इस बार भी नहीं आएगा? बेटे इस बार तो जो प्लस टू में सिलेबस कट हुआ उसके बाद बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए, ठीक है, तो पता ही नहीं चला कि उन्होंने पेपर में डाला कि नहीं डाला, पेपर ही नहीं हुए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो सारे क्वेश्चन आए थे, यानी मेंस के पेपर में या किसी भी कॉम्पिटिशन में वो सारे क्वेश्चन आते हैं, और बाकी किसी भी कंट्री ने अपने सिलेबस को कम नहीं किया, ठीक है। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर तो हमें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है या किसी कॉलेज में जाना है तो वी हैव टू स्कोर वेल इन देयर एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स, तो वहां पे तो सब कुछ ही आ रहा है। और इस बार जो सिलेबस उन्होंने कोई डिक्लेयर ही नहीं किया, अभी तक तो कुछ नहीं बताया क्योंकि उनको यही नहीं पता कि लॉकडाउन कब तक लगने वाला है, अगस्त तक कि सितंबर तक कि अक्टूबर कि नवंबर कि दिसंबर, दे डोंट नो। वो अभी तक सिर्फ तीर तुक्के से मार रहे हैं कि तब तक, तो जब उनको पता ही कुछ नहीं है तो सिलेबस डिफाइन ही नहीं किया, तो अभी तक वही चली जा रहा है। कुछ टीचर्स ये कह रहे हैं कि हम पुराना वाला सिलेबस सारा कराएंगे क्योंकि कोई पता नहीं सिलेबस कटता है कि नहीं कटता, तो अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं है, तो इसलिए अनन्या हमें करना तो पूरा ही चैप्टर पड़ेगा, ठीक है। हाँ ये जरूर है कि अगर कुछ अगर बोर्ड एग्जाम्स के लिए कुछ चीज ऐसी हुई ना कि कट गई है तो उसको फिर हम बाद में ये होगा कि उसको ब्रीफ, क्योंकि उसके बिना चैप्टर चलेगा ही नहीं। जैसे प्लस वन में काट दिया, अब प्लस टू में तो जरूरत है ना, उसके बिना चैप्टर होगा ही नहीं, कर ही नहीं सकते। हाँ वही बात है, सिक्स भी कटा हुआ था, पॉलीमर्स कट गया था, दो तीन तीन चैप्टर्स ही काट लिए थे, पर इस साल में को पता ही नहीं है ना कि आएगा कि नहीं आएगा, डोंट नो, जैसे करना ही पड़ेगा, ठीक है, हम कर लेंगे हमेशा, पर हमने पढ़ना ही है, पढ़ने में क्या नुकसान है। हाँ अगर कम नहीं आ रहा होगा तो छोड़ देंगे, तब बोर्ड एग्जाम्स के लिए छोड़ देंगे, कॉम्पिटिटिव के लिए फिर भी पढ़ना ही पड़ेगा। बेटे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा। नंबर वन, रूल नंबर टू, हाइड्रोजन एच विद मेटल्स
माइनस वन, हाइड्रोजन विद नॉन मेटल्स तो प्लस वन, यानी अगर मैंने लिखा सोडियम तो जीरो, कैल्शियम जीरो, अल्युमिनियम जीरो, गोल्ड जीरो, फास्फोरस जीरो, सल्फर एस एट जीरो, हाइड्रोजन गैस जीरो। तो जब आप कोई एलिमेंट लिखोगे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या लिया जाएगा, जीरो। एलिमेंट इन इट्स एलिमेंट्री स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर इज जीरो। अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ हो जैसे सोडियम और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन माइनस वन है, कैल्शियम विद हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन, लिथियम अल्युमिनियम विद हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन इज अगेन माइनस वन। तो आप कहोगे हाइड्रोजन अगर कभी भी मेटल के साथ आ जाए तो वो माइनस वन ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट शो करेगा। नॉन मेटल के साथ जैसे वाटर, तो हाइड्रोजन प्लस वन हो जाएगा। इसका मतलब एलिमेंट जो है वो किसके साथ रहते हैं उस साथ से उनकी प्रॉपर्टीज पे, उनके बिहेवियर पे फर्क पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अगर अपनी कंपनी चेंज करो तो जब भी आप अपने दोस्तों के बीच में होते हो उन दोस्तों का आपके ऊपर असर होता है। इन द सेम मैनर वो कह रहे हैं हाइड्रोजन अगर मेटल्स के साथ है तो माइनस में है, नेगेटिव है, और अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ है तो वही हाइड्रोजन पॉजिटिव है। इट मीन्स इट्स गोइंग टू इंपैक्ट, यानी कौन किसके साथ रहता है इससे एलिमेंट को फर्क पड़ता है। अमोनिया हाइड्रोजन प्लस वन, फॉस्फीन हाइड्रोजन प्लस वन, HCl हाइड्रोजन प्लस वन। पहले बताओ यहां तक फर्स्ट टू रूल्स क्या है? हां जी डन है तनवीर, समझ आया बेटे? साहिब, अंशु, समझ आ रहा है सबको? यस मैम। तीसरा रूल हमारे पास ये है, थर्ड रूल इज सम एलिमेंट्स शो अ सिंगल ऑक्सीडेशन नंबर इन कंपाउंड्स। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अपना एक ही ऑक्सीडेशन नंबर रखते हैं जब वो कंपाउंड बनाते हैं, तो कोई भी कंपाउंड बनाए उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा फिक्स रहता है। हम कहते हैं दीज आर फ्यू एलिमेंट्स लाइक ग्रुप वन, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम, नीचे की तरफ लिख देते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम एंड इवन फ्रेंसियम, ये सारे हमेशा अपने कंपाउंड्स में प्लस वन ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे। ग्रुप टू बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम एंड रेडियम, ये सब प्लस टू ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे, यानी ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर कभी नहीं बदलते, इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा सेम रहता है। ठीक है, थर्ड अल्युमिनियम हमेशा प्लस थ्री होगा, स्कैंडियम ऑलवेज प्लस थ्री, जिंक एंड कैडमियम प्लस टू प्लस टू, ये चेंज नहीं हो पाते, और फ्लोरीन ऑलवेज माइनस वन। तो आप कहते ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बदल नहीं पाते, दे कांट चेंज देयर ऑक्सीडेशन नंबर इन डिफरेंट कंपाउंड्स, उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा फिक्स्ड रहता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड फॉर दीज एलिमेंट्स, ये पक्के हैं कि इतना ही ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे। ये हमारे तीन रूल्स हो गए। फोर्थ रूल
रोल इज ऑक्सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट. वो कहते हैं ऑक्सीजन जो है वो -2, -1, -2, या 0, +1, 1 और 2, ये सारे ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकती है. तो ऑक्सीजन जो है इट कैन शो अ वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स फ्रॉम -2 to +2. तो ऑक्सीजन का रूल ये है कि वो -2 से लेकर +2 तक बहुत सारे नंबर शो करती है. बट मोस्ट कॉमन इज -2. इसलिए आप मैक्सिमम कंपाउंड्स में ऑक्सीजन को -2 ले लेते हो. तो आपसे कहते हैं ऑक्सीजन -2 क्यों लेते थे? रीजन इज कॉमनली वो -2 ही होता है. तो 99% कंपाउंड्स में वो -2 है. कभी कभार वो +2 तक जा सकता है, +1/2 हो सकता है, दैट कैन बी देयर. तो ये हमारे पास था फोर्थ रूल. फर्स्ट रूल एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर 0. सेकेंड रूल हाइड्रोजन -1 और +1 दोनों हो सकता है. थर्ड रूल इज कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनमें वेरिएशंस कभी नजर नहीं आती. और फोर्थ रूल हमारे पास है अबाउट ऑक्सीजन. सारे ऑक्सीडेशन नंबर -2 से लेकर +2 तक को शो करेगा और कॉमन जो है वो -2 है. -2 जब ऑक्सीजन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्साइड. O-2 इज नेम्ड एज ऑक्साइड. ठीक है, चल जल्दी से नोट करेंगे. ऑक्सीजन के 3 नेगेटिव आयंस होते हैं. वन इज ऑक्साइड, सेकेंड इज परऑक्साइड एंड द थर्ड वन इज सुपर ऑक्साइड. तो ऑक्साइड हो गया O2 नेगेटिव, परऑक्साइड हो गया O2 2 नेगेटिव और सुपर ऑक्साइड हो जाएगा O2 1 नेगेटिव. दैट विल बी नेम्ड एज सुपर ऑक्साइड. राइट, समझ आया? हाँ जी बेटा, क्लियर है? गॉट इट? चले आगे. और इसके बाद फिर हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर. किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर उसके मैक्सिमम बैलेंस इलेक्ट्रॉन तक जा सकता है. तो लास्ट रूल हमारे पास ये था कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन. अगर हम इसमें देखें तो इसमें मैक्सिमम जो है वो +3 हो सकता है. इसमें मैक्सिमम +4, मैक्सिमम +5. ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सब में मैक्सिमम +6 हो सकता है और फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सब में +7 ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है. देखो बोरोन पूरी फैमिली में, बोरोन फैमिली होगी बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. इस पूरी फैमिली में मैक्सिमम +3 आ सकता है. मान लो आप कैलकुलेशंस करो और आपका आंसर आ रहा 5, तो बोरोन फैमिली के किसी का आंसर 5 आना मतलब आपका आंसर ही गलत है. तो उनका कहना है मैक्सिमम +3 यानी एल्युमिनियम भी, गैलियम भी, इंडियम, थैलियम ये मैक्सिमम +3 तक जा सकते हैं. सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड मैक्सिमम 4 तक. नाइट्रोजन फैमिली ना
आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मैक्सिमम 5 तक, ये सारे 6 तक, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन 7 तक, ऑक्सीजन और फ्लोरीन मैंने पहले बता दिया, ऑक्सीजन आपने कहा प्लस 2 तक जाता है, फ्लोरीन तो होता ही माइनस 1 है, तो मैक्सिमम लिमिट से ऊपर आंसर नहीं आना चाहिए। मान लो अगर आपने सल्फर प्लस 7 निकाल दिया है तो आपका आंसर गलत आ रहा है, आपकी नेगेटिव मार्किंग है वहां पर, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही मत करो अगर नहीं आता तो। उनका कहना है आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं। अब मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल बेटे KMnO4, मैंने आपसे कहा मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, मुझे इसको कैलकुलेट करना है और ये एक न्यूट्रल स्पीसीज है, तो पोटेशियम ग्रुप 1 का मेंबर है, दिस इज 1, मैंगनीज को मैंने एक्स मान लिया, प्लस ऑक्सीजन माइनस 2 होता है इनटू क्या करेंगे 4, और टोटल चार्ज ऑफ KMnO4 इज 0, तो एक्स कम्स आउट टू बी 7, तो आपने मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर 7 कैलकुलेट किया। ठीक है, ये समझ आया कैसे किया मैंने, याद है सबको? ऐसे बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट करो जरा, क्रोमियम कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, ये टॉपिक हमें इसलिए भी अच्छे से करना है जिसके बाद डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, पीडीएफ कोऑर्डिनेशन, उन चारों चैप्टर्स में इन सबकी जरूरत है, तो अब आपने इसको अच्छे से करना ही है। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड स्पीसीज, तो आपको के पोटेशियम 1 था, 2 प्लस 2x माइनस 14 इज 0, x कितना आया 6, प्लस 6 करेक्ट, x माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 1, x कम्स आउट टू बी 7, x माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 2, एक्स कम्स आउट टू बी 6, ठीक है, एक्स अब नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन है तो प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस 1, एक्स कितना आया माइनस 3 करेक्ट। चेक करो क्या आपको याद आ गया ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट किया करते थे, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि और प्रैक्टिस करा, हाउ मेनी ऑफ यू कर लोगे? यस मैम। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन मतलब आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आना चाहिए था, अगर केटाइन है तो इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज, अगर एनाइन है तो इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, ऐसा हम करते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो हमें पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या है। बेटा ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड रिडक्शन इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मान लो ऑक्सीडेशन नंबर 2 से 5 चला गया तो आप कहोगे 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है। माइनस 2 से प्लस 5 पे चले गए तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस, बोलो माइनस 8 कैसे, माइनस 2 से 0 तक 2 हो गए और फिर 2 1 0 से 5 तक 5 ही हुए, 7 ही हुए। यस मैम,
चेक कर लोगे। आप बताओ माइनस थ्री से प्लस फाइव तक आप कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज? अब एट, तो एट इलेक्ट्रॉन का लॉस। प्लस फाइव से प्लस सेवन, लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपके पास आ गया इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। वो कितने डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर? प्लस सिक्स से प्लस थ्री, तो ये हो गई रिडक्शन। तो आप हो गए तीन इलेक्ट्रॉन्स का गेन। प्लस सेवन से प्लस टू, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड? फाइव इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड। प्लस फाइव से माइनस थ्री, एट इलेक्ट्रॉन्स गेन ऑफ एट इलेक्ट्रॉन्स। और प्लस सिक्स से माइनस टू, एट इलेक्ट्रॉन्स का गेन। चेक कर लो बेटे यहां तक, एनी डाउट इफ यू हैव यू कैन आस्क। नो डाउट बेटा। डन हो गया। अब वो कहते हैं कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट। तो अगली बात जो हमें समझनी है वो क्या है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर और एंड, कह सकते हो एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। हमारा तीसरा टॉपिक जो हमें अब आना चाहिए वो ये। फर्स्ट टॉपिक था ऑक्सीडेशन नंबर, वो आपने कहा ठीक है आपको समझ आ गया। फिर आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या फर्क है, गेन कब होता है, लॉस कब होता है। एंड देन यू मस्ट नो दैट कि चेंज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कितने का चेंज है। देखो जरा, मान लो मैंने आपसे कहा MnO4 नेगेटिव इज कन्वर्टेड टू मैंगनीज 2 पॉजिटिव, तो आपसे वो पूछ रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन हुआ अगर ये चेंज होता है, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट और गेन्ड। हम क्या करेंगे, हमें यहां भी मैंगनीज दिख रहे हैं, यहां पे भी मैंगनीज, तो हम कहेंगे x माइनस एट इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स कम्स आउट टू बी सेवन, इसका मतलब सेवन से टू में गया है, तो पांच इलेक्ट्रॉन का चेंज, सेवन टू टू। क्या कहोगे बेटा, पांच इलेक्ट्रॉन का गेन और पांच इलेक्ट्रॉन का लॉस? बोलो, गेन ऑफ फाइव इलेक्ट्रॉन। इट इज गेन ऑफ फाइव इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये प्रोसेस रिडक्शन है, इसे आपने रिडक्शन कह दिया। अब बेटा वहां पे हम कहते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, तो हम कहेंगे पांच इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो n की वैल्यू आ गई फाइव। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व को हम लिखते हैं n। इस चैप्टर में n का मतलब होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, तो यहां पे पांच इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। चलो करके बताओ मुझे, इफ इट इज MnO4 नेगेटिव इज कन्वर्टेड टू मैंगनीज डाइऑक्साइड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व? चेक कर। MnO4
3 electrons? Yes, 3 electrons are involved. Cr2O7 2 negative converted to chromium 3 positive. करते जाओ. आपने इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कैलकुलेट करना है. कर लो आप कैलकुलेशंस करो, आप फिर मैं एक बार चेक कर. कर पा रहे हो? अंशु का डिस अंशु तो है कर सकता हूँ ये शक्ति भी है मेरी खुशी. ये आपके पास आया 7, ये आ गया 4. ठीक है, 7 से 4 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स का गेन. यह है 2x माइनस 6 इज 0, x कम्स आउट टू बी प्लस 3, x माइनस 2 इज 0, x कम्स आउट टू बी प्लस 2. तो 1 इलेक्ट्रॉन का गेन. ठीक है, अब बेटे यहां पे 2 आयरन है रिएक्टेंट साइड पे, देर आर 2 आयरन. अगर 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो 2 आयरन यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करेंगे. ठीक है, 1 आयरन क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था तो रिएक्टेंट साइड पे 2 आयरन है, देयरफॉर गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये बात समझ आई? अब आप यहां पे आंसर बता सकते हो. क्रोमियम मेटल यहां प्लस 6 आ रहा है, यहां पे प्लस 3, कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन सोचो. सिक्स से 3, 3 इलेक्ट्रॉन्स और 2 क्रोमियम भी है बेटा. 2 क्रोमियम मीन्स गेन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स. रिएक्टेंट साइड पे जो एलिमेंट होता है वो कितनी बार है वो इंपॉर्टेंट है. ये कार्बन आ रहा है प्लस 3, दिस कार्बन इज कमिंग टू बी 4. क्या आपका सेम आ रहा है आंसर? तो 3 से 4 1 इलेक्ट्रॉन, 2 कार्बन है तो इंटू 2 करोगे 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस. इज इट क्लियर? दिस इज अ लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये ऑक्सीडेशन हो रहा है. समझ आया? K
केमिनो 4 में मैंगनीज इज प्लस 7 एंड हियर इट इज प्लस 2, 7 से 2, 5 इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ? गेन, राइट? और यहां आपके पास है फेरस से फेरिक, 2 से 3, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रिएक्टेंट साइड पे एक ही आयरन है, इसलिए आप लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ही लिखोगे, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ही लिखा गया है. रीजन इज इस साइड पे एक ही आयरन है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां पे मैं कहूंगी n इज 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 6, यहां पे n आ गया 2, यहां पे n आ रहा है 5, हियर n इज कमिंग टू बी 1, n इज 2, तो ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है. तो इन सारे क्वेश्चंस में हमें कहीं ना कहीं n की जरूरत पड़ेगी, यानी जब आप ये चैप्टर कंटिन्यू करोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो वी नीड टू कैलकुलेट n. n क्या होगा वो आपको मैंने सिखा दिया.